अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई फाइनल कट ऑफ महासर्वे का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, YouTube के माध्यम से लगातार नए नए सर्वे किए गए, उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या फाइनल कट ऑफ आपका बन सकता है, 30 से 55 प्लस नंबर पाने वालों का क्या सिलेक्शन हो सकता है, तो पूरी अपडेट हम आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। इस वीडियो में दोस्तों ये भी डिस्कस किया जाएगा कि कितने प्रश्नों पर आपको कॉमन नंबर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमें ऑब्जेक्शन फाइल करना था वो सब कुछ हो चुका है, तो उसके बाद क्या आंसर की में कुछ बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा वो भी हम देखेंगे। देखिए, एक बात आपको बता दें, आंसर की में अगर कुछ क्वेश्चंस के विकल्प बदलते हैं तो हो सकता है कि आपके नंबर प्लस हो तो किसी बच्चे का नंबर माइनस होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो तुक्का लगा कर आते हैं और गलती से दोस्त उनका तुक्का सही हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका नंबर प्लस होगा तो आपके साथी का नंबर माइनस होगा। सीटेट का रिजल्ट कब तक आ रहा है? सितंबर के लास्ट तक, इसी महीने दोस्त हमारा सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप सीटेट में फेल है, बीपीएससी में पास है, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका फेल माना जाएगा। आपको मतलब कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा कि आप लोग सीटेट दिसंबर का पेपर पास करके बीपीएससी में नौकरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। उर्दू बंगला कट ऑफ के दोस्त इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। मेल और फीमेल के लिए कट ऑफ अलग अलग होगी, ओनली डीएलएड बीटीसी की कट ऑफ हम इस वीडियो में देखेंगे। एक और दोस्त जो नया बवाल इस समय सोशल मीडिया पर शुरू हो चुका है, उत्तर प्रदेश में न्यू शिक्षक भर्ती शिक्षा मित्र वर्सेस बीटीसी डीएलएड वर्सेस बीएड। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्रों ने क्या कर दिया आपको बता दें, शिक्षा मित्रों ने दोस्तों बीएड के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ये मैटर है, ये 69,000 दोस्तों जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हमारे यहाँ संपन्न हुई यूपी में, तो इसमें दोस्तों केस ये बन गया ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेट जो पास हुए थे उनकी संख्या 97,000 से ज्यादा थी। ठीक है, तो इनकी दोस्तों जो मांग रखी जा रही शिक्षा मित्रों की कि बीएड के छात्रों को यहाँ से बाहर कर दिया जाए ताकि डीएलएड के सभी बच्चे शिक्षा मित्र और अदर्स की सबकी नौकरी लगे और उसके बाद जो सीटें बच रही हैं कट ऑफ को कम करके सभी बच्चों को नौकरी दी जाए। तो ये दोस्तों एक बड़ी मांग शिक्षा मित्रों की तरफ से रखी जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और वहां पर भी एक बात क्लियर कर दी गई कि दोस्तों ये जो फैसला है 2018 से लागू किया जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, जो हमने सर्वे किया यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें जरा इसको ध्यान रखिएगा। पहले दोस्तों सीटों की संख्या आप लोग एक बार जरा ध्यान से सुन लीजिए कि आपके पास कितनी सीटें हैं। अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी, देखिए दोस्तों जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है दो तरह की होती है, एक हमारी मेल के लिए और यहाँ पर आप फीमेल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझना क्या है कि जो हमारे पास अनारक्षित सीटें हैं मेल में 15,947, फीमेल में 16,040, अगर दोस्तों दोनों को हम जोड़ देते हैं तकरीबन कितनी पहुंचेंगी सीटें, 32,000, इससे कुछ कमी रहने वाली है। तो ये समझिए कि टोटल इतने पद हैं, ठीक है, जिसमें दोस्तों कौन बच्चे नौकरी पाएंगे। देखिए, जब आप लोग कट ऑफ देखते होंगे तो हालत खराब होती होगी, भैया 50 से 55 प्लस में 46% आ रहा है। ठीक है, आप कहेंगे हमारे नंबर सर तो 40 से 45 में ही आ रहा है, 45 से 50 में ही आ रहा है, या 30 से 35 से 40 के बीच में आ रहा है, तो क्या हमें नौकरी नहीं मिलेगी जब इतने ज़्यादा बच्चे यहीं पर आ रहे हैं। और आपने दोस्तों देखा होगा डीएलएड के तकरीबन 3,80,000 बच्चों, ठीक है, फॉर्म भरा था, उसमें से जो फाइनल पेपर दिया बच्चों ने लगभग 70% छात्रों ने दिया है। ठीक है, जिसमें बीएड और बीटीसी दोनों बच्चे सम्मिलित हैं, तो 30% बच्चे तो दोस्तों डायरेक्ट ही बाहर हो जाते हैं। अगर आपने पेपर वन छोड़ दिया, पेपर टू का सिर्फ पेपर दिया, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा, आपको वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने दोनों पेपर दिया है उन्हीं बच्चों का दोस्तों कुछ ना कुछ चांस बनेगा कि उनकी नौकरी लगेगी या नहीं लगती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों जो हमारी मेरिट लिस्ट तैयार होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो जनरल कैटेगरी से जो बच्चे सम्मिलित हो रहे उनकी संख्या 52%। अब दोस्तों देखिए, 50 से ज्यादा परसेंट तो भैया जनरल कैटेगरी वाले छात्र यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, 10% आरक्षण होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, लेकिन टोटल बच्चों के जो कमेंट आए या जिन बच्चों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, मात्र 9%। ठीक है, ओबीसी में 31%, एससी कैटेगरी में 7% और एसटी में दोस्तों हमारा 1%। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों देखिए ओबीसी वाली जो कैटेगरी रहेगी, देखिए ओबीसी में कौन कौन सी कैटेगरी रहेगी, देखिए दो कैटेगरी हमारी यहाँ पर रहेगी, एक तो दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग रहेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, और पिछड़ा वर्ग रहेगा और पिछड़ा वर्ग महिला।
दो कैटेगरी रहेगी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अलग अलग आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग में 48 से 53 और अत्यंत पिछड़ा में 44 से 48। अब दोस्तों देखिए, लेकिन जो YouTube पर महा सर्वे हुआ उसके हिसाब से क्या होगा आपको हम क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी सीटें थी जो UR कैटेगरी के लिए बन रही है, मेल प्लस फीमेल में टोटल कितने पद हैं, 32,000 के आसपास। तो इसकी दोस्तों जो कट ऑफ जाएगी वो हाई जाएगी। बाकी दोस्तों जो हमारी रिजर्वेशन कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी है उसकी दोस्तों जो उसमें सीटें बनेंगी टोटल 48,000, और इसमें सिर्फ आप पास होने से भी नौकरी पा सकते हैं। कितने नंबर लाने हैं, सिर्फ आपको पास होना है, ठीक है। पहली दोस्तों जो लिस्ट जारी की जाएगी, उम्मीद है कि पासिंग मार्क देखा जाएगा। देखिए पूरी अपडेट बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए आधिकारिक सूचना के अनुसार बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए अनारक्षित वर्ग के सभी उम्मीदवार के लिए 40% मार्क्स व ओबीसी के लिए 36.5%, SC/ST के लिए 32% और EBC के लिए 34% मार्क्स न्यूनतम अर्हता के साथ निर्धारित किया गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले आपको पास होने के लिए पासिंग मार्क नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अधिकतर यही किया जाता है जो हमारी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, जो भी कहिए, इसमें दोस्तों सभी का पासिंग लिया जाएगा। उसके बाद अगर सीटें बचती है तो कट ऑफ कम करके नौकरी दी जाएगी। जो दोस्त हमारी अनुसूचित जाति पुरुष और महिला में, यहाँ अगर आप SC कैटेगरी में पास हो जाते तो आप मान के चलिए नौकरी कन्फर्म है। अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला 1% बच्चे हैं, जो हमारा कमेंट बॉक्स है या जो पोलिंग हुआ, मात्र 1% बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है। या तो हो सकता है कि हमारे YouTube चैनल पर ज्यादा बच्चे ST कैटेगरी से जुड़े ही ना हो, लेकिन अगर जुड़े तो मात्र 1%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस में नौकरी पाना आसान है। देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि अगर आप ST कैटेगरी में तो आसानी से नौकरी मिलेगी, SC में मिलेगी, EWS में मिलेगी। OBC में दोस्तों दो तरह की कैटेगरी रहेगी, एक पिछड़ा वर्ग और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग रहेगा उन बच्चों को भी फायदा मिलेगा, ठीक है। ये दोस्तों जो दो कैटेगरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें भी दोस्तों जो बच्चे सिर्फ पास भी हो जाएंगे उनकी नौकरी मान के चलिए कन्फर्म यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो हमारी OBC कैटेगरी रहेगी उसमें थोड़ा सा कंपटीशन टफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेल कैटेगरी की दोस्तों जो कितनी मतलब कट ऑफ जा सकती है, देखिए हम यहाँ पर BEd के छात्रों को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। बिना BEd के दोस्तों यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है बिना BEd के, तो ये जो मेरिट लिस्ट जा सकती है 50 से 55 नंबर, ये BEd के साथ हैं। और दोस्तों अगर BEd नहीं रहता तो ये 40 से 45 में जनरल में भी आपको नौकरी मिल सकती है। या दोस्तों देखिए सिर्फ आपको बता दें जो अनरिजर्व कैटेगरी यही मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी 40 से 45, या दोस्तों 40 से हम कह सकते हैं 55+, या 48 से 55+ कर सकते हैं। यहाँ पर 45 50 48 55 कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों क्योंकि जो मिनिमम पासिंग मार्क है 48 नंबर UR कैटेगरी में की जा सकती है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित BEd अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षा मित्रों द्वारा याचिका दाखिल कर दी गई है। अब शिक्षा मित्र ही क्यों BEd के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, देखिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो भैया वहां पर सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही, ठीक है, शिक्षा मित्रों को उनकी नौकरी से हटाया था। 1 साल वो भी नौकरी कर चुके थे, एक समय ऐसा लग रहा था भैया उनको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने। और दोस्तों इस रिजल्ट को जरा देखिए, OBC कैटेगरी 84,000 बच्चे पास हुए थे, टोटल 4 लाख बच्चे सम्मिलित हुए थे, 1,46,000 बच्चे पास हुए, उसमें से 84,000 बच्चे सिर्फ OBC कैटेगरी से, जनरल से 36,000, SC से 24,000, ST से 270 बच्चे। बाद में क्या किया जाता है दोस्तों, ST कैटेगरी सीट को SC में बदल दिया जाता है, और SC में फिलहाल पर्याप्त बच्चे थे OBC में, और फिर कुछ नहीं होता। यहाँ पर ओवरलैपिंग का प्रोसेस ठीक तरीके से अपनाया नहीं गया। एक बात हम इस वीडियो में आपको बताते चलेंगे, जो बच्चे बिहार से, जिन बच्चों को आरक्षण का फायदा मिलेगा वो बच्चे एक एक सीट का ब्यौरा रखेंगे आप लोग, ठीक है, कि क्या गलत तरीके से किसी बच्चे को नौकरी तो नहीं मिली UR कैटेगरी में, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये दोस्तों जो 69,000 शिक्षक भर्ती आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, इस वैकेंसी में 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ, ऐसा बच्चे कहते हैं OBC और SC कैटेगरी छात्रों के साथ, ठीक है। तो इतना बड़ा आरक्षण घोटाला ना तो आपने कभी सुना होगा ना तो देखा होगा, 69,000 में हुआ। और आपको बता दें सरकार ने खुद ही 6,800 पदों पर एक नई चयन सूची जारी कर दी थी, मामला कोर्ट में गया उस वजह से ये तो मामला पेंडिंग में फंस रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया इतने बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले वैकेंसी में देखने को मिल सकते हैं। गलती अधिकारियों को रहती है, भुगतना बच्चों को पड़ता है।
ठीक है, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे बिहार के जो बच्चे हैं कि एक भी पदों पर आरक्षण घोटाला ना होने पाए। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है। ये हम आपको क्यों बताते कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि दोस्त ये हमारे पास एक डेटा है, हमने देखा है लास्ट वैकेंसी को अच्छे से एनालाइज किया है कि कैसे क्या हो सकता है। अब बीएड के बच्चे नहीं रहेंगे तो देखिएगा बहुत सी सीटें खाली रह जाएंगी। यूआर कैटेगरी दोस्तों, ईडब्ल्यूएस, बाकी जितने भी आरएससी हो गए आप लोग खाली पास हुई है, नौकरी आपके पास है। ठीक है, जो ईबीसी कैटेगरी रहेगी मतलब जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग रहेगा, वहां पर तो नौकरी और भी आसान है। ईडब्ल्यूएस में आसान है, ईबीसी में आसान है, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन, खाली दोस्त हमारा थोड़ा सा ओबीसी में दिक्कत रहेगी। यूआर कैटेगरी में देखिए सबसे ज्यादा कंपटीशन टफ रहेगा। ओबीसी में कोई बच्चा ज्यादा नंबर लाएगा, सिंपल सी बात है, यूआर में वो चला जाएगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये सब बात है। तो सोशल मीडिया पर आपने तरह तरह के मतलब ओपिनियन पोल देख लिए होंगे कट ऑफ को लेकर। तो ये दोस्तों एक बात और आपको बता दें, कॉमन नंबर मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो चौथा विकल्प था उसमें यही लिखा था, क्या एक से अधिक विकल्प से होगा या पांचवा था कि इनमें से कोई नहीं। तो मतलब कोई ऐसा विकल्प था ही नहीं जिसमें बच्चे फंसा सकें कि चारों विकल्प गलत हैं या ऐसा वैसा, तो भाई वो टिक करते इनमें से कोई नहीं वाला। ठीक है ना, बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। 32,000 सीटें और 48,000 सीटें, ये समझ गए। उर्दू और बांग्ला में दोस्तों ज्यादा हाई मेरिट नहीं जाएगी, अगर आप पास हैं तो नौकरी के लिए इलिजिबल मान के चलिएगा। ठीक है, मेल और फीमेल की कट ऑफ दोस्तों अलग अलग रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और फीमेल की कट ऑफ मेल से कम ही जानी है। फीमेल की कट ऑफ मेल से कम जाएगी और सीटें ज्यादा खाली रह सकती हैं। ठीक है, फीमेल में ये फायदा होगा कि आप लोग की जो सीटेट में पासिंग मार्क थे उसको 75 कर दिया गया था, जो बच्चे बिहार से थे। ठीक है, और सीटेट की बात करें एससी और एसटी कैटेगरी में, बाकी जनरल में 82 नंबर ले आ गया था पासिंग मार्क। तो कुल मिला के सरकार आपको नौकरी देना चाहती है। देखिए अभी क्या होता है ना, कुछ गलतियां भी आपके सामने आने वाली हैं जिस वजह से ये मामला फंसेगा और मामला कोर्ट में जा सकता है। अगर सरकार ने एक छोटी सी भी गलती की तो मामला कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, बाकी उधर से तो मामला कोर्ट में नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों जब तक आपको नियुक्ति पत्र ना मिले तब तक आप लोग हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। एक आपकी गलती के चक्कर में आपका नौकरी रुकेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुकेगा। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।